घर पे बैठ के टीवी पे चेस का मैच देखना मेरी लाइफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लोगों के वहां पे टिकटॉक वीडियोस वायरल हो रहे हैं और यहां मेरा मेरा एक वायरल फीवर भी नहीं उतर रहा है। लाइफ है ही नहीं मेरी, सियापा है सियापा। 18 की एज में पापा ने गुरुजी से पूछ के मेरी शादी करवा दी। मुझे क्या पता था कि 14 फरवरी वाले दिन मेरे पति के स्पर्म इतने स्ट्रांग है कि 14 नवंबर को घर में हमारी चिल्ड्रंस डे मनवा देगा। बस मुझे तो ऐसा फील आया था कि कुंवारी मां बन गई हूं मैं, क्योंकि पति को तो कोई लेना देना है नहीं। ऐसा लग रहा था कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट करके भाग गया है कहीं। इनको तो कोई जिम्मेदारी उठानी नहीं है, ना जी ना बिल्कुल नहीं। मेरी कोख से निकला है तो सुसु पॉटी खाना पीना सोना सारी मेरी जिम्मेदारी है। इन्होंने क्या करना है जी, इन्होंने तो स्कूल फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन करनी है, इन्होंने अपनी ट्रेडर्स के साथ पार्टीज करनी है ना। 5 साल में 2 बार सेक्स हुआ है और दोनों बार लोड हो गई हूं मैं। और पता है घूमने कितनी बार गए हैं? सिर्फ एक बार, हुमायूं का मकबरा देखने। और कसम से बता रही हूं, बाय गॉड ऐसा लग रहा था वहीं खुद ही दफन हो जाऊं। और अगर कभी कंप्लेन कर दो ना, कि शिकायत कर दो ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मुझे दिखा दी जाती है सोशल मीडिया पे 2 पोस्टें मदर्स डे और स्ट्रांग विमेन के बारे में। फिर सुनो वो स्लोमो नारी शक्ति का गाना और बनवाओ चूतिया अपना।